Hello, Assalamu Alaikum. Welcome to my channel. Today we will talk about An Ode to Death by Daud Kamal. आज हम बात करने वाले हैं इस पोएम के बारे में जो दाऊद कमाल ने लिखी है, इसकी समरी और इसकी टेक्स्ट एनालिसिस करेंगे। वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो पोएम है इसमें जिस तरह के टाइटल से आपको पता चल रहा है, दाऊद कमाल ने डेथ को प्रेस किया है, ताकत पर है, कितना स्ट्रॉन्ग है। सही है, तो पूरी की पूरी बातें आपको डेथ से रिलेटेड मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। इंट्रोडक्शन एंड थीम की तरफ चलते हैं पहले। दिस इज अ लिरिकल पोएम इन विच दाऊद कमाल हैज डिस्क्राइब हिज पर्सनल फीलिंग्स एंड थॉट्स। इसमें दाऊद कमाल ने अपने पर्सनल फीलिंग एंड थॉट्स बताई है डेथ से रिलेटेड। और इसका मेन थीम जो है इस पोएम का वो है अल्टीमेट रियलिटी ऑफ डेथ। इसमें रियलिटी ऑफ डेथ को बयान किया है, उसने प्रेजिंग की है डेथ की, के डेथ कितना रियल है, कितना रियलिटी है इसमें, उसको बयान किया है दाऊद कमाल ने। सही है, सो लाइन वन की तरफ चलते हैं। योर ओड टू डेथ इज द लिफ्टिंग ऑफ अ सिंगल आईब्रो लिफ्टेड एंड सी कॉनरेड आइकन। इन द ओपनिंग लाइन ऑफ अ पोएम दाऊद कमाल कोट्स द वर्ड्स ऑफ कॉनरेड आइकन डेट आवर डेथ कैन ऑकर मेयर लिफ्टिंग ऑफ अ सिंगल आईब्रो। ही ट्राइज टू ब्रॉडन आवर माइंड्स बाय मेकिंग अस अवेयर ऑफ द सर्टेनिटी ऑफ द डेथ। बेसिकली लाइन फर्स्ट में इस पोएम में वो कॉनरेड आइकन के लाइंस को कोट करता है और कहता है दाऊद कमाल के जो ये डेथ है, जो सिंगल आईब्रो है, उसके लिफ्टिंग से ही इतना करीब है हमारे, वो हमारे माइंड्स में वो ये बात डालना चाहता है दाऊद कमाल के सर्टेनिटी ऑफ डेथ को बताया जा रहा है, वो ये करीब, ये डेथ हमारे पास कितना करीब है उसके बारे में ये हमें लाइन फर्स्ट में बोस ने कोटेशन दी है कॉनरेड आइकन की। लाइन टू एंड थ्री की तरफ चलते हैं। डेथ इज मोर देन सर्टेन, सी इज ई कमिंग, बट द क्लॉक्स गो ऑन टिकिंग एज बिफोर। यहाँ पर वो बताता है कि वो पहले उसने कॉनरेड आइकन की व्यू पॉइंट को शेयर किया हमारे साथ, इस सेकंड लाइन में वो ई कमिंग की लाइंस को शेयर करता है और कहता है कि डेथ इतना ज़्यादा सर्टेन है हमारे करीब कि कोई भी इवेंट आए, कोई भी ट्रेजेडी आए, लेकिन घड़ी जो होती है वो किसी के लिए रुकती नहीं है। अनडाउटली ह्यूमन बींग्स लव देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड दे क्राई अलॉट व्हेन समवन from them leaves the world, but over time we see a gradual decrease in their emotional feeling and sentiments for their loved one. कहता है कि अगर कोई भी हमारे से जुदा हो जाए, कोई भी हमारे फैमिली मेम्बर्स में मर जाए, तो बहुत से लोग उसके लिए क्राई करते हैं जब हमसे वो चला जाता है और हमारे इस दुनिया को छोड़ देता है, उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन वक्त के साथ साथ डिक्रीज आता है उसके इमोशनल फीलिंग्स के में, मतलब उस बंदे को याद करने में, और उनके लिए जो हमारे दिल में सेंटिमेंट्स होते हैं उस बंदे की, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाते हैं। सो बेसिकली हमें दाऊद कमाल ये कहना चाहता है, डेथ आ जाती है और डेथ उसे ले जाता है तो हम उसके लिए बहुत रोते हैं, बहुत सेंटिमेंट्स इमोशनल होते हैं, सेंटिमेंट्स उनके लिए होती है हमारी, लेकिन जब वक्त गुजरता है तो फिर वो हमसे भूल जाता है धीरे धीरे। लाइन फोर एंड सिक्स में कहता है, एंड इन एवरी पार्टिकल ऑफ कार्बन डस्ट देयर लिव्स अ डायमंड ड्रीम, हाउ मेनी गैलेक्सीज यर टू बी एक्सप्लोर। एज टाइम इज अ ग्रेट हीलर, वो कहता है कि टाइम तो ग्रेट हीलर है, जिस तरह मैंने बताया कि वक्त के साथ साथ लोग भूल जाते हैं अपने लव्ड वन को जो से मर गया हो और इस दुनिया को छोड़कर गया हो, और फिर लोग नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं जिस तरह के वो पहले होते हैं। द पोइट फर्दर सेज दैट एवरी पार्टिकल ऑफ अ कार्बन हैज अ ड्रीम टू बिकम अ डायमंड। यहाँ पर कार्बन से मुराद, कार्बन डस्ट से मुराद, एवरी पार्टिकल से मुराद बंदे है, लोग है, ह्यूमन बींग्स है, कि हर किसी का ड्रीम्स होता है लाइफ में कि वो एक खास मकसद को अचीव कर ले और एक खास ड्रीम को अचीव कर ले, जो उसने अपने लाइफ में सक्सेस और हाई होप्स रखे हो उसको अचीव कर ले, लेकिन डेथ जो आ जाती है वो एक सेकेंड में सब कुछ खत्म कर लेती है। ओके, नेक्स्ट वो कहता है कि ड्रीम्स डजंट कम ट्रू, ह्यूमन बींग्स शुड नॉट बी श्योर डेट ऑल दियर ड्रीम्स वुड कम ट्रू बिकॉज डेथ कैन टेक अवे एनीवन लाइफ एट एनी टाइम। डेथ की मिसाल इस तरह है कि वो एक मॉन्स्टर है, वो आके भी आपको बताएगा कि डेथ इज लाइक अ क्रूअल मॉन्स्टर हु इज गोइंग टू ईट पीपल इन अ सिंगल बाइट।
इसकी मिसाल इस तरह है कि क्रूअल मॉन्स्टर है कि बंदे को पता भी नहीं चलता और वो खा लेता है। लोग अपने कामों में मसरूफ रहते हैं, लेकिन सडनली मौत आ जाती है और बंदे को ले जाती है इस दुनिया से। यही बात वो बताना चाह रहा है इस पोएम में और इस लाइन्स में। लाइन 7 की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी सीड्स इन द पोमेग्रेनेट ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि पोमेग्रेनेट से मुराद उसकी वर्ल्ड है और सीड से मुराद उसकी हाई होप्स एंड लग्जरी लाइफ है। मतलब हर बंदे की इस दुनिया में एक हाई होप्स होती है और लग्जरी लाइफ को जीने का हक होता है, और सोचता है, ड्रीम करता है कि मैं ये करूँगा, और वो अपनी ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए चल रहे होते हैं, अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और एक दिन आ जाता है कि वो सारा दुनिया खत्म हो जाता है और उनके दुनिया का एंड आ जाता है, मतलब इसकी मौत आ जाती है। तो ये मौत के पावर को बयान किया जा रहा है इस पोएम में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 9, 8 to 10 की तरफ। द फाइन ट्रीज ब्लास्टेड बाई लास्ट ईयर थंडरबोल्ट एंड द बर्न आउट में स्टिक इन माई एस्ट्रे लुक सो ट्रिबली लाइक। अबाउ लाइन्स में दाऊद कमाल कंपेरिजन कर रहा है बिग फाइन ट्री का और मौत का, मतलब कि किस तरह डेथ सिमिलर है एक बिग फाइन ट्री के साथ। जब थंडर बोल्ट आ जाता है, थंडर, तो सारे वो ट्री को मतलब तहस नहस कर लेता है। इसी तरह मौत भी है, जब मौत आ जाती है और सब कुछ खत्म कर लेती है, किसी पर मर्सी नहीं करता मौत जब भी आ जाता है, ताकि चाहे वो रिच बंदा हो या चाहे वो गरीब बंदा हो, सबको आती है, कोई उससे नहीं बचता। तो यही बात इस लाइन्स में वो बताना चाहता है। आई हैव सेट बाई योर बेड साइड एंड फेल्ट योर सिंगिंग पल्स आर द हेयर एंड बोन्स रियली इंस्ट्रक्टेबल एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द एआईज टू डिजॉल्व इन द ग्रेव। यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि द पोइट जो डेड बेड पर बैठा होता है, लेटा होता है, वो ये फील कर रहा होता है कि मेरा जो पल्स है वो डूब रहा है, धीरे धीरे डूब रहा है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन भी कर लेता है कि किस तरह, मतलब कितने टाइम में इंसान के बोन्स और हेयर डिजॉल्व होंगे ग्रेव में। लेकिन ये तो उसी बंदे को पता होगा ना जो मर जाता है, और मरने के बाद तो कोई किसी को बयान नहीं कर सकता कि मेरे साथ क्या हुआ है। ठीक है, ग्रेव में क्या हुआ है, हमारी बॉडी जो बनी है वो बॉडी और सूल से बनी है, लेकिन इंसान अपने लाइफ में रह रह के इस अल्टीमेट रियलिटी ऑफ डेथ को भूल जाता है कि एक दिन मौत आनी है। लाइन 16 to 20 की तरफ चलते हैं। टू स्ट्रीम्स मिंगल इन अ फॉरगेटन रिवर बिटवीन द आई ऑफ द एंड द टियर देयर द आर की बिलीव्ड अपने राइट ओनली स्लीप एंड साइलेंस देयर नो क्रेज फॉर ग्रीव। यहाँ पर वो डेथ डेथ और लाइफ का रिलेशनशिप आईज और टीयर्स के साथ कर रहा है, कि जिस तरह इंसान कि आइस को पता नहीं चलता कि कब वो टीयर्स लाएंगे, पता नहीं होता कि हम कब हमारे आइज में टीयर्स आएंगे। तो इसी तरह हमें डेथ का भी पता नहीं चलता कि किस तरह हमारी जिंदगी में डेथ आएगा और हमारी सोल को ले जाएगा और हम डेथ की तरफ चलेंगे। ये एक पिक्चर डिफेक्ट किया जा रहा है ग्रेव का के, और यहाँ पर इस लाइन्स में ग्रेव के पिक्चर को डिपिक्शन किया जा रहा है कि कब्रिस्तान में किस तरह लोग साइलेंस होता है, उधर सब लोग सो रहे होते हैं। यहाँ लाइन 21 टू लाइन 25 में वो कहता है आई टू हैव वंडर्ड इन अ फॉरेस्ट ऑफ सिंबल्स एंड क्लच्ड एट द हेरल्ड्स ऑफ मेमोरी। आई हैव सीन द स्टॉर्म टू द डार्क एड्रेसेस। आई हैव फेल्ट योर एब्सेंस अराउंड माई नेक बट लेट बाईगोन बी बाईगोन्स। वो इन लाइन्स में अपने पास्ट को याद कर लेता है, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद कर लेता है दाऊद कमाल, और वो गिल्टी फील करता है कि मैंने जो लाइफ में अनप्लेजेंट मोमेंट्स थिंग्स किए हैं वो मुझे गिल्टी फील करा रहा है। और वो फिर कहता है कि मुझे इन सबको भूल जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको सोचूंगा तो ये मुझे और परेशान करेगी। तो इससे अच्छा है कि लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स, मतलब कि इसको बोल लूँ, इसको फॉरगेट करूँ। ठीक है, इसके आखिरी लाइंस में वो कहता है हु वॉज द डिसीवर एंड हु द डिसीव, वॉज आई ऑन ए फ्लोटिंग आईलैंड एंड वर यू ऑन द शोर, विच वन ऑफ अस मूव्ड अवे। यहाँ पर वो कहता है डेथ को बात की जा रही है कि इन द लास्ट अबाउट 4 लाइंस में वो कहता है कि खुद को कहता है कि क्या मैं डेथ के करीब था या डेथ मेरे करीब था, क्या डेथ मेरे करीब आ रहा था या मैं डेथ के करीब जा रहा था, क्या मैं आइसलैंड पर था, फ्लोटिंग आइसलैंड पर था, या लाइफ मेरी जो है वो शोर के करीब थी। ठीक है, फिर वो कहता है कि क्या
जिंदगी डिसीवर है या मौत डिसीवर है, मतलब कौन धोखा दे रहा है हमें, जिंदगी हमें धोखा दे रही है या मौत हमें धोखा दे जाता है जो किया जाता है। तो लेकिन एक बात श्योर है कि डेथ इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ, नो वन शुड बी फॉरगेटन मेयरली फॉर द सेक ऑफ दिस टेम्प्ररी वर्ल्ड। वो यही बात बार बार कहना चाह रहा है इस पॉइंट में, आखिरी तक वो यही बात कहना चाह रहा है हमें कि डेथ इज द अल्टीमेट रियलिटी। सो ये था पोएम एन ओड टू डेथ, सही है। इसमें पूरा का पूरा लेसन जो हमें मिला वो यही था कि इसमें दाऊद कमाल हमें मौत की प्रेजेंस को फील कराना चाह रहा है कि मौत है, डेथ है, डेथ इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द लाइफ, हर किसी को मौत का जायका चखना है, यही बात वो हमें बताना चाह रहा है। और हर एक इंसान जो अपने स्ट्रगल्स कर रहा है, एक दिन वो मौत इसको आ जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। सो यही थी दाऊद कमाल की पोएम। थैंक यू।